तो ये जो वो जगह है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, ये जब हम यहाँ पे पैर रखते हैं ना तो कभी कभी हमारा पैर ऐसे आगे स्लिप हो जाता है, या यहाँ पे जब पैर हम नीचे रखते हैं तो ये चीज़ टच होती है खुद राइडर को। ओके, और ये तो इतना गर्म होता है, ये पूरा हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको कभी भी कोई भी बच्चा आगे छू सकता है। तो हमको इस एरिया को सेव करना है, इसके लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ तक हम इसको रैप करेंगे। ये देखिए, ये एक ऐसा होता है रॉयल एनफील्ड में जो ओपन एरिया है, बाकी किसी बाइक में इतना दिखता नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रैप। रैपिंग एक आता है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, ये करीब 200 रुपीज़ का है। और लेकिन इसको छूने के लिए हमको ग्लव्स चाहिए। हम इसको अगर नंगे हाथ से छुएंगे तो बहुत ज़्यादा इचिंग करता है, खुजली बहुत होती है हाथों में, तो इसलिए हम कैसे भी ग्लव्स ले लो। ये मेरा हेयर ड्राई मैंने किया था तो ग्लव्स हैं जो उसमें आते हैं, इसके बिना इसको नहीं छुएंगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इचिंग करेगा। ये आपने देखा होगा अमेज़ोन पर बहुत ज़्यादा बिकता है, 200 रुपये में पड़ा है मेरे को ये, विद GST शिपिंग चार्ज सब मिला के, ठीक है। इसके लिए हमको दो क्लिप लगेंगे ऐसे, ये दो क्लिप ये लगेंगे, एक ये स्क्रू ड्राइवर, बाकी कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम ये खोलेंगे, निकाल देते हैं। लेकिन निकालने के बाद हाथ अच्छे से धोएं ताकि इसको स्टार्ट करके देखेंगे, देखते हैं कपड़ा जलता है कि नहीं जलता, ठीक है।
बिल्कुल ठंडा है, इतना इतना बहुत गर्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी हीट से। मिशन सक्सेस। मिशन सक्सेस, कपड़ा गर्म नहीं हो रहा है। मैंने 10 मिनट बाइक स्टार्ट किया, उसको आराम से छू सकते हैं। तो आज के लिए यही था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।